सो हाय गाइस, तो केमिस्ट्री में ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जिनमें से एक है सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर हमारी डेली लाइफ की केमिस्ट्री में भी बहुत जगह काम आता है। और अगर ये हमें समझ में आता है कि सेमीकंडक्टर होते क्या है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और एक बार समझ में आने के बाद तो बहुत इजी होता है इसे लाइफ लॉन्ग के लिए याद रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आज सेमीकंडक्टर्स की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। तो एनर्जी बैंड जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर और इंसुलेटर्स को क्लासिफाई करने के लिए दिया गया है। और जैसे कार्बन फैमिली है तो उसमें कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड आते हैं। और इसमें मेनली जो सिलिकन और जर्मेनियम है जो सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है, और इंसुलेटर के रूप में कार्बन यूज होता है, और टिन जो मेटल है वो कंडक्टर के रूप में यूज होती है। तो इसके साथ, इस कार्बन फैमिली के साथ जिस तरीके से एनर्जी बैंड थ्योरी कनेक्ट होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। तो एक है जो ग्राउंड स्टेट में आता है वो है बैलेंस बैंड है, और जो हमारा एक्साइटेड स्टेट में आता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। जो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब हम उन्हें एनर्जी देते हैं या किसी भी हीट देते हैं या लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, और एक्साइटेड होके वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे ही हम इंसुलेटर या कार्बन, एज ए इंसुलेटर है तो कार्बन की बात करते हैं या इंसुलेटर की बात करते हैं, तो इनके बीच में एनर्जी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी एनर्जी हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है, हम दे नहीं पाते। तो इस वजह से ये एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। और जैसे हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और सेमीकंडक्टर्स के लिए अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं तो इनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप होता है वो इतना होता है कि अगर हम उसे थोड़ी सी हीट देते हैं या थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं या लाइट के रूप में एनर्जी देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इजीली मूव कर जाते हैं। और जो एनर्जी, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड फॉर द सेमीकंडक्टर्स, तो वो ज्यादा नहीं होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होती है। और अगर हम फर्दर मूव करते हैं कंडक्टर्स की तरफ, और इनके लिए हम अगर एनर्जी बैंड्स डायग्राम देखते हैं तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो इसमें बिना एनर्जी दिए ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ होता रहता है। अब हम मेनली बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए जैसे हमने बात करी कि इनके बीच, इनमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल इतना इतना होता है कि हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। इसी वजह से एंड देयरफॉर इस सर्टन अमाउंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज मोर करंट विल बी फ्लो इन द सेमी कंडक्टर देन इन द इंसुलेटर। इसी कारण जो अगर हम थोड़ी सी एनर्जी सेमी कंडक्टर्स को देते हैं तो ज्यादा करंट फ्लो होता है एज कंपेरिजन विद द इंसुलेटर, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो अब अगर हम ज्यादा करंट हमें अगर फ्लो करवाना है किसी भी डिवाइस या किसी भी सिस्टम के अंदर, और वो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर, तो इजीली करंट ज्यादा फ्लो हो सकता है अगर हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में एनर्जी
बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से सेमी कंडक्टर में हम इजीली इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करवा सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें सेमी कंडक्टिंग एलिमेंट्स, तो इसमें ये है कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है। मतलब अगर रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है विद द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, हीट के रूप में टेम्परेचर दे सकते हो आप, लाइट के रूप में टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हो। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी, सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और दीज क्वालिटीज ऑफ और सेमी कंडक्टर, जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो सिलिकन और जर्मेनियम की बात कर रहे हैं, तो दीज क्वालिटी ऑफ द सिलिकन और जर्मेनियम ड्यू टू देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, देयर थ्री डायमेंशनल डायमंड की वजह से होती है। सिलिकन और जर्मेनियम की भी में जो ये क्वालिटीज होती है सेमी कंडक्टर की, वो मेनली उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से होती है जो कि थ्री डायमेंशनल डायमंड की तरह होता है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि वाइड पॉपुलैरिटी ऑफ द सिलिकन एंड जर्मेनियम की किस कारण से होती है, क्योंकि एज ए सेमी कंडक्टर सिलिकन और जर्मेनियम ही बहुत ज़्यादा यूज करे जाते हैं। तो ये क्यों सिलिकन और जर्मेनियम ही इतने ज़्यादा यूज किए जाते हैं, तो ये हमारे दिमाग में होता है कि अगर हम सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है कि हाँ सिलिकन एंड जर्मेनियम एज ए सेमी कंडक्टर यूज होता है। तो क्यों, इसका रीजन क्या है कि क्यों सिलिकन और जर्मेनियम ही एज ए सेमी कंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं आज के टाइम पे? तो फर्स्ट रीजन है इसका कि मैन्युफैक्चरिंग ऑन हाई प्योरिटी, जो सिलिकन और जर्मेनियम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी में हो रही है। इस वजह से हम अगर हमें कोई भी अपनी तरफ से मॉडिफाइड वर्जन चाहिए या फिर कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, तो हम उसमें डोपिंग करवा के इसकी कंडक्टिविटी में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसका मेन रीज़न है, फर्स्ट है कि ये हाई प्योरिटी हाई प्योरिटी लेवल पर इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एंड सेकेंड है एबिलिटी टू चेंज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डॉपिंग। हाँ, और सेकेंड ये है कि हाई प्योरिटी है इसकी, इस वजह से इसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी एबिलिटी है कि हम डोपिंग, मतलब डोपिंग या डोपिंग से इस मटेरियल की करेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है ना। एंड थर्ड रीजन है चेंज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकन कार्बाइड बाय यूजिंग हीट एंड लाइट। तो सिलिकन कार्बाइड की करेक्टरिस्टिक्स को हम चेंज कर सकते हैं हीट यूज करके, लाइट यूज करके। इट इज यूज इन द हीट एंड लाइट सेंसिटिव डिवाइस। और सेमी सिलिकन कार्बाइड मेनली यूज होता है हीट एंड लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस में यूज होता है। अब अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स की, तो सेमी कंडक्टर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर और एक होता है एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें कहते हैं प्योर सेमी कंडक्टर्स कहते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। और अगर हम चलो अब इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स इन द प्योर फॉर्म इज नोन एज द इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स की जो प्योर फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, जैसे प्योर जर्मेनियम, प्योर सिलिकन। तो इंट्रेंसिक मटेरियल आर दोज सेमी कंडक्टर्स दैट आर carefully refined to reduce the impurity to very high level। तो ये है, इसे इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम इम्प्योरिटीज को रिड्यूस करें बहुत हाई लेवल पर, और रिड्यूस करने के बाद जो हमारा
कंपाउंड निकल के आता है सिलिकन और जर्मेनियम का, उस फॉर्म को, उस प्योर फॉर्म को हम इंट्रेंसिक मटेरियल बोलते हैं या इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं. ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस इंट्रेंसिक कैरियर्स आर प्रेजेंट इन द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बहुत प्योर फॉर्म होती है, हम इसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करते. तो इस वजह से जो उसकी मेन प्योर फॉर्म होती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की और चार्ज होल्स चार्ज इन सब की इम्प्योरिटीज होती है, वो सिर्फ उसकी नेचुरल रीजंस की वजह से ही होती है, नेचुरल कॉजेस की वजह से ही होती है. ऐसा नहीं होता है कि हम उसमें बाहर से कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं या फिर होल्स नंबर ऑफ होल्स बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता. इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स में उसकी नेचुरल कॉजेस की वजह से ही होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जैसे हम सिलिकन की देखते हैं इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, तो ये प्योर फॉर्म है और इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री होल्स है वो उसके नेचुरल कॉजेस की वजह से ही है, जिनकी नंबर्स ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं. और इसमें जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ होल्स हैं, उनकी नंबर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी होंगे. और अगर एट रूम टेम्परेचर पे ये होल्स नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स इंक्रीज एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज. तो ये है कि अगर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बोन ब्रेक होता है. अगर हम इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो सिलिकन सिलिकन बोन है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स बढ़ जाएंगे, और ये फ्री कैरियर्स इंक्रीज होंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. बट रेजिस्टेंस नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स इंक्रीज होंगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा. बट इन केस ऑफ कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. अगर नंबर ऑफ फ्री कैरियर इंक्रीज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशंस आर इंक्रीज फ्रॉम इंक्रीजेस द टेम्परेचर. अगर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है. और अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो जैसे ही फ्री कैरियर्स इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज करोगी तो फ्री कैरियर्स इंक्रीज होंगी, लेकिन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और जो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं. जैसे एक हम फॉर्मूला देखते हैं RT, RT इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा T. तो यहाँ RT टेम्परेचर है और आर नॉट रेजिस्टेंस, आर रेजिस्टेंस को डिनोट करना है मेनली, और अल्फा है वो हमारे पास अल्फा कांस्टेंट है जो मेनली इस पर डिपेंड करता है कि अल्फा फॉर कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, ये कांस्टेंट. इस वजह से जब अल्फा पॉजिटिव होगा कंडक्टर्स के लिए तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. अल्फा पॉजिटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगा. और जैसे अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, तो जैसे टेम्परेचर इसके लिए अल्फा नेगेटिव आता है, तो ये नेगेटिव है तो टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं और ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है हमारा वो डिक्रीज होगा. तो अगर हम फर्मी लेवल्स लाइन बिटवीन द वैलेंस एंड कंडक्शन में, हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं कि इसमें फर्मी लेवल कहाँ होता है, तो जैसे वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इसके सेंटर में फर्मी लेवल लाई करता है इन द इंट्रेंसिक मटेरियल. इंट्रेंसिक मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है होल्स आर इक्वल, जो पहले देख चुके हैं. और हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, वो है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है,
ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो थैंक यू गाइस.